नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टीवी समाचार और मैं हूं आपके साथ नेहा परिहार। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। जिला अधिकारी ने की प्रखंड एवं अंचल कर्मियों के साथ बैठक। कैदी को पेरोल पर ले जा रहे वाहन दुर्घटनाग्रस्त। परिवार नियोजन के तहत 16 महिलाओं की चंदन अस्पताल में हुआ बांधकरण ऑपरेशन। पूर्णिमा के मेले को लेकर मनिहारी एसडीओ कुमार सिद्धार्थ ने बैठक में मेले कमेटी के साथ बैठक की। अब खबर विस्तार से। त्रिवेणीगंज में बड़ी तेजी से फल फूल रहे फर्जी खबर, डीएम ने खुद बताया है फर्जी है। बीते दिनों एक खबर तेजी से कई पोर्टल और चैनल पर प्रकाशित की गई। खबर ये थी कि त्रिवेणीगंज अनुमंडलीय अस्पताल में एम्बुलेंस के अभाव में जदिया थाना क्षेत्र के रघुनाथपुर वार्ड नंबर 3 का रहने वाला 19 वर्षीय सिंटू कुमार की मौत हो गई। खबर बड़े बड़े चैनलों में भी प्रकाशित की गई। इस मामले को लेकर डीएम कौशल कुमार से जब पूछा गया तो उन्होंने बताया कि खबर फर्जी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि डीएम साहब, इन फर्जी खबर प्रकाशित करने वालों के ऊपर कार्यवाही कौन करेगा, जबकि लगातार क्षेत्र में इस तरह की खबरें प्रकाशित की जा रही है। इससे पूर्व भी कोरोना काल में एक खबर छपी थी कि ऑक्सीजन के बगैर मौत हो गई। खबर प्रकाशित होने के तुरंत बाद डीएम महेंद्र कुमार ने त्रिवेणीगंज पहुंचकर घटना के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी ली। उसके बाद उन्होंने बताया कि खबर फर्जी है। इस तरह के फर्जी खबर प्रकाशित करने वालों के ऊपर कार्यवाही क्यों नहीं हो रही? पत्रकारिता देश का चौथा स्तंभ माना जाता है और इनका एक विशेष कारण है कि आप अपनी बात पत्रकारिता के जरिए देश विदेश तक संचारित कर सकते हैं। पत्रकार बंधु इन सम्मानित कार्यों को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। कमाई के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं और पब्लिक उनकी बातों को सच मानती है। पुलिस और पदाधिकारी भी इस कार्य को बखूबी मान रहे हैं। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में मीडिया की वास्तविक भूमिका क्या है तथा आज ये कितना निष्पक्ष और प्रभावी है? अफसोस जाहिर होता है कि अपनी भूमिका की गंभीरता न समझते हुए मीडिया ने अपनी गरिमा तथा गौरव की अवधारणा को अपने ही हाथों ध्वस्त कर दिया है। आज मीडिया निष्पक्ष नहीं रहा बल्कि कुछ विशेष विचारधाराओं का पक्षधर हो गया है। अब देखना इनके ऊपर कौन कार्यवाही करता है। एम्बुलेंस नहीं मिल पा रहा है और एम्बुलेंस के अभाव में परसों एक सर मरीज की जान भी चली गई। वो गलत खबर था और एम्बुलेंस के अभाव में जान नहीं गई है। वो व्यक्ति 10:30 मॉर्निंग में बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन में आया था। जो प्राथमिक उपचार दिया गया, ऑक्सीजन सप्लाई दी गई, डॉक्टर जो वहाँ उपस्थित थे, 11 उनको रेफर किया गया और एम्बुलेंस जो था वो पता किसी को लाने गया था, उस क्रम में ऑफ रोड हो गया था, बनने गया था, लेकिन प्राइवेट एम्बुलेंस का निजाम किया जा रहा था, लेकिन क्रिटिकल सिचुएशन इतना था कि रेफर करने के 3 मिनट के बाद ही उसकी मृत्यु हुई। तो ऐसा नहीं कि एम्बुलेंस के अभाव में हुआ है, एम्बुलेंस तो ख़राब था लेकिन बन के 3 आ गया था और वो आज भी शायद वो अभी ऑन रोड है और उस पर सुविधा मिल रही है। नगर परिषद की क्या समस्या है यहाँ ग्राउंड क्षेत्र में लोगों का कहता? जिलाधिकारी ने प्रखंड एवं अंचल कर्मियों के साथ बैठक की। आवास निर्माण में प्रगति लाए आवास सहायकों को निर्देश दिए। त्रिवेणीगंज जिले का प्रभार लेते ही डीएम कौशल कुमार एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। डीएम लगातार विभिन्न ब्लॉक अनुमंडल का औचक निरीक्षण करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी क्रम में शुक्रवार को त्रिवेणीगंज प्रखंड मुख्यालय परिसर स्थित टीसीपी भवन में जिला अधिकारी ने प्रखंड एवं अंचल कर्मी के साथ समीक्षात्मक बैठक की। बैठक में एसडीओ एसजेड हसन भी मौजूद थे। बैठक के दौरान डीएम कौशल कुमार ने प्रखंड और अंचल के अधिकारियों के इतिहास की विस्तृत जानकारी संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी और अंचलाधिकारी से ली। इसके साथ ही उन्होंने कार्य निष्पादन के महत्वपूर्ण निर्देश दिए। डीएम ने सबसे पहले प्रधानमंत्री आवास योजना की जानकारी ली और कार्य में प्रगति लाने एवं बचे कार्य को पूरा कराने हेतु सभी आवास सहायकों को कड़ा निर्देश दिया। उन्होंने 7 के अंदर कार्य धरातल पर उतारने की बात कही। इसके बाद सुपौल अररिया रेल परियोजना हेतु भू अर्जन से संबंधित अत्यंत प्रगति की स्थिति की समीक्षा की। कैदी को पेरोल पर ले जा रहे वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गए। ड्राइवर समेत 4 पुलिसकर्मी और 1 कैदी घायल हुआ है। भपटियाही अस्पताल में इलाज चल रहा है। जिले के भपटियाही में बांस से लदे ट्रैक्टर और एक निजी वाहन में भीषण टक्कर हो गई, जिसमें ड्राइवर सहित 4 पुलिसकर्मी और 1 कैदी समेत कुल 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए भपटियाही अस्पताल में ले जाया गया, जहां बताया गया सभी पुलिसकर्मी पूर्णिया मंडल कारा से एक सजायाप्त कैदी को पेरोल पर उसके पिता के दाह संस्कार में भाग लेने के लिए सुपौल के निर्मली वार्ड नंबर 6 उसके घर ले जा रहे थे। निजी वाहन से जा रहे इन पुलिसकर्मियों के भारी वाहन रास्ते में दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिससे वाहन पर सवार सभी 6 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। घायल सभी पुलिसकर्मियों को पूर्णिया मंडलाकारा से जाते हुए सुपौल जिले के निर्मली थाना क्षेत्र के वार्ड 6 के रहने वाले कैदी श्यामदास को एक प्राइवेट सुमो वाहन से ले जाया जा रहा था।
भपटियाही चौकी के पास NH-57 पर एक बांस लदे ट्रैक्टर से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गए। सभी पुलिसकर्मियों को बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल रेफर कर दिया जहां पर उनका इलाज चल रहा है। प्रमोद, तुम ड्राइवर थे उस गाड़ी का, क्या कैसे हुआ, पूरी वाकया कैसे है, कैसे एक्सीडेंट हो गया? गाड़ी उधर से ट्रैक्टर आ रहा था बायां साइड से, हम पीछे से आ रहे थे तो ब्रेक लगाया, अचानक से गाड़ी आया तो ब्रेक नहीं लगा, थोड़ा दूरी से लगा रहे थे, नहीं लगा, नहीं बैलेंस हुआ तो उसमें घुस गया। कितने लोग सवार थे उस पे तुम्हारे गाड़ी पे? सात आदमी। सभी लोग घायल हैं? कहाँ से गाड़ी लेके आ रहे थे, कहाँ जाना था? पूर्णिया से लेके आ रहे थे, निर्मली जाना था। ये गाड़ी कहाँ की है जो तुम चला रहे थे? निर्मली का है। किसका गाड़ी है? ये है विक्रम दास का। सजाए वाला कैदी, उनको लेकर हम लोग 3 दिन के उनको मिला था ऑर्डर साहब लोग से, 3 दिन के आदेश में उनको लेके उनके घर उनके पिता के श्राद्ध कर्म में जा रहे थे निर्मली। यहाँ भपटियाही मोड़ के पास हम लोग आए, ड्राइवर ट्रैक्टर में बांस लदा हुआ था उसमें जाकर ठोकर मार दिया, हम लोग सब आदमी जगह। कितने लोग थे गाड़ी पर सर? 4 फोर्स, एक रस्सी वाला, अटकड़ी वाला, एक हम अफसर। कुल मिलाकर कितने लोग घायल हुए हैं? 4-5 आदमी। क्या नाम हुआ आप? नवनिर्माण महावीर मंदिर में हनुमान प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में अखंड कीर्तन और कलश शोभा यात्रा निकाली गई। चांदन प्रखंड के चांदन पंचायत के चांदन देवघर मुख्य मार्ग अव्यवस्थित चांदन अस्पताल के सामने यशोदा मेडिकल के प्रोपराइटर अरुण मंडल एवं छोटे भाई सहदेव मंडल जी के पिता श्री बाबूलाल मंडल जी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती यशोदा देवी के द्वारा अपने निजी आवास में भव्य हनुमान मंदिर निर्माण किया गया, जिसमें महावीर स्वामी की प्रतिमा की आधारशिला रखी गई, जिसका प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन किया गया, जिसे लेकर 10 फरवरी 2022 गुरुवार को चांदन नदी से अपने आवास तक कलश यात्रा निकाली गई। साथ ही साथ सुंदरकांड पाठ किया गया। वहीं 11 फरवरी शुक्रवार को पंचांग पूजन, मंदिर प्रवेश तथा हनुमत प्राण प्रतिष्ठा वेदी पूजना के साथ अखंड हरि कीर्तन प्रारंभ किया गया तथा 12 फरवरी 2022 को शनिवार को हवन पूर्णाहुति आरती और प्रसाद वितरण का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्रखंड क्षेत्र के कई गणमान्य लोगों ने अखंड कीर्तन का आनंद उठाया। इसमें हरि कीर्तन मंडली का शोभा बढ़ाने रामधुन में शामिल हारमोनियम पर पलकधारी मंडल ब्लू चौधरी, वहीं ढोलक बजाने में मशगूल विष्णुदत्त देव चौधरी, गायकार सुधीर मंडल विजय मंडल का सहयोग रहा। आयोजन को सफल बनाने और दर्शनावलंबियों के रूप में सर्व श्री विजय मंडल, शादी मंडल, रोहित कुमार, अंकुश कुमार, आदित्य कुमार, अख अनन्या, नैन्सी प्रिया, अंजलि कुमारी और समस्त मंडल परिवार ने भाग लिया। चांदन बाका सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चांदन में 11 फरवरी शुक्रवार को परिवार नियोजन के तहत बंध्याकरण ऑपरेशन शिविर आयोजन किया गया, जिसमें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चांदन प्रभारी एके सिन्हा एवं एएनएम इंदु कुमारी, सुनीता कुमारी, सुपर मनोज कुमार के संयुक्त में 16 महिलाओं का सफल ऑपरेशन किया गया। इधर ऑपरेशन के बाद अस्पताल के वार्ड में सभी मरीजों को भर्ती कर स्वास्थ्य कर्मियों की निगरानी में रखा गया। मेडिकल टीम द्वारा समय समय पर सभी मरीजों का हेल्थ अपडेट किया गया, जिसमें स्वास्थ्य प्रबंधक डॉ. यशराज ने सभी मरीजों के लिए किए गए इंतजामों की समीक्षा की। इस मौके पर एम्बुलेंस MT साधु यादव, लक्ष्मण कापरी, आदेश पाल, नितेश कुमार आदि उपस्थित थे। मनिहारी में माघी पूर्णिमा के मेले को लेकर मनिहारी SDO कुमार सिद्धार्थ ने बैठक में मेले कमेटी के साथ बैठक की। इस संबंध में जानकारी देते हुए SDO कुमार सिद्धार्थ ने बताया कि श्रद्धालुओं की भीड़ को लेकर मनिहारी घाट में प्रशासन को कड़ी नजर रखने को कहा है और घाट पर गोताखोर और बाहर से आए श्रद्धालुओं के लिए शौचालय का भी व्यवस्था की गई है। SDO कुमार सिद्धार्थ ने बताया कि पीर मजार के पास कोई भी श्रद्धालु स्नान करने के लिए नहीं जाएंगे, क्योंकि आए दिन लगातार वहां दुर्घटनाएं होती रहती हैं और उस जगह पर प्रशासन की पहली नजर रहेगी। इस संबंध में बैठक में उपस्थित मनिहारी वीडियो कुमार सिद्धार्थ, CO राजेश रंजन, थाना प्रभारी रंजन कुमार सहित कई गणमान्य व्यक्ति और मेला कमेटी, यज्ञ कमेटी के लोग उपस्थित रहे। आज अनुमंडल स्तर पर एक बैठक आयोजित की गई थी। जैसा कि आप जानते हैं, माघी मेला, माघी पूर्णिमा 16 तारीख को मनाया जाएगा। साथ ही मनिहारी में जो यज्ञ समिति है उनके द्वारा 15 तारीख से लेकर के 19 तारीख तक यज्ञ किया जाता है। उसी के परिप्रेक्ष्य में आज बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें हमारे यज्ञ समिति के सभी सदस्य थे, अनुमंडल स्तरीय सभी पदाधिकारीगण थे। जो मुख्य मुद्दे थे वो एक, चूँकि काफ़ी भीड़ भाड़ होने की संभावना है तो जो भी ट्रैफिक व्यवस्था है उससे रिलेटेड उन्होंने बात की। यज्ञ के समय काफ़ी लोग रहेंगे वहाँ पे, तो साफ़ सफाई, रोशनी, सुरक्षा संबंधी जो व्यवस्था थी उसके बारे में हम लोग
पहले भी जो पिछले वर्ष किया गया था उसी हिसाब से करेंगे। सभी को ये डायरेक्शन दिया गया है, कोरोना का जो नया गाइडलाइन है वो SOP सब लोग फॉलो करेंगे। और हमारी कोशिश होगी कि पूर्व में जैसे हम लोग छठ दिवाली में यहाँ पे किए हैं उसी तरह सभी चीज़ शांतिपूर्वक यहाँ पर हो जाए। भारी भवन कितने दिन बन रहे हैं? मालवाहक जहाज अभी जैसा हम लोगों ने निर्णय लिया है कि चूँकि 15 से एक संभावना है काफ़ी भीड़ भाड़ होगी, तो 15-16 को पूर्णिमा है, 15 से 16 तो बंद रहेंगे, 17 को हम लोग देख लेंगे कि स्थिति देख करके फिर उन्हें निर्देश देंगे क्या करना है। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही, बने रहिए लाइव TV समाचार के साथ। नमस्कार।